वेलकम बैक व्यूअर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम जो है किस तरह किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के जो है IMEI को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो IMEI चेंज करने के वैसे आपको जो है बहुत से मेथड मिल जाते हैं। तो सबसे जो सिंपल मेथड है वो है रूट का। अगर आप अपने मोबाइल को रूट कर लेते हैं तो उससे जो है आप हर मोबाइल के जो है IMEI को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद MTK इंजीनियरिंग मोड वाला तरीका भी है, उसके बाद जो है कंप्यूटर वाला तरीका भी है। इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसमें जो है मैं कंप्यूटर पे IMEI चेंज करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके मोबाइल की IMEI ऐसे चेंज नहीं हो रही तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा जो है मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूँ, इस तरीके से जो है हम अपने मोबाइल की जो है फर्स्ट IMEI को जो है चेंज कर सकते हैं SIM 1 की। तो ये सॉफ्टवेयर वैसे पैड है, लेकिन मैं जो है आपको एक इसका वर्जन दूंगा, इससे जो है हम SIM 1 की जो है IMEI बिल्कुल फ्री में चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मोबाइल है OPPO A5 का, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये मेरे पास रूट भी नहीं है, अबाउट में चले गए। ये देखें, ये A5 मॉडल है, इसका जो है एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 है। इसका जो प्रोसेसर है कैलियम कॉम। तो कैलियम कॉम को जो है कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। मैंने इसकी जो है चेंज करके देखी थी दोनों सिम्स की कंप्यूटर से, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने लगा हूँ ये आप बगैर कंप्यूटर के ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी और कंपनी का मोबाइल है तब भी आप ट्राई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर है IMEI चेंजर, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये दोस्तों फर्स्ट टाइम आपके पास जो इंस्टॉल नहीं होगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हमने जो है किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है जाना होगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जो है सिक्योरिटी वाला ऑप्शन ऑफ करना होगा। जैसे मैं 3 डॉट पे करता हूँ क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन है प्ले प्रोटेक्ट, इस पे करना है क्लिक, और ये ऑप्शन होगा, इन दोनों को आपने कर देना है ऑन। ऑफ करेंगे तभी जो है आपके पास इंस्टॉल होगा, नहीं तो इंस्टॉल भी नहीं होगा। अब जो है मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद ये बता रहे हैं ओरिजिनल IMEI आपकी ये है। अब जो है मैंने IMEI करनी है चेंज, यहाँ पे आके मैं जो है जनरेट IMEI पे क्लिक करता हूँ। इसने जो है मुझे एक IMEI बना दिया, लेकिन मैं ये IMEI नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़ी सी इसको चेंज करता हूँ। अब जो है ये देखें अप्लाई पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया ऑप्शन आ चुका है रीस्टार्ट डिवाइस टू अपडेट IMEI। वो बता रहे हैं कि आप जो है अपनी डिवाइस को जो है रीस्टार्ट करें, आपके जो है मोबाइल की IMEI चेंज हो चुकी है। अब मैं जैसे ही अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करूँगा तो मेरी जो है SIM 1 की जो है IMEI चेंज हो जाएगी, SIM 2 की नहीं होगी। तो आप चाहें तो इसका प्रो वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड करके जो है आप इसकी IMEI चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।